है प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम में। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लगने जा रहा है, साथ ही इस दिन शरद पूर्णिमा भी है। शास्त्र में चंद्र ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार चंद्र लगने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक होगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। साल 2023 के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा और क्या है इसका समय, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रविशंकर शुक्ला जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जी धन्यवाद पंडित जी। देखिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है और उस दिन शरद पूर्णिमा भी है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है पंडित जी? जी जैसे कि आपने बताया कि ये जो चंद्र ग्रहण है जी, ये अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है तो बेहद खास है जी। जो ग्रहण का समय होगा वो मध्य रात्रि 28 की मध्य रात्रि 1:06 से प्रारंभ होकर 2:24 तक रहेगा इसका प्रभाव। साथ ही इसका जो मध्य काल होगा वो 1:45 होगा रात्रि का। ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत ही नहीं अपित पूरे एशिया के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका के साथ साथ कई देशों में देखा जाएगा। ये चंद्र ग्रहण बेहद खास है क्योंकि जिस राशि में लग रहा है, मेष राशि में, वहां पर गुरु महाराज पहले से मौजूद हैं। तो इस चंद्र ग्रहण पर लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का ग्रहण लग रहा है। जी पंडित जी, देखिए मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि शरद पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूतक काल का समय क्या है और किस तरीके से पूजा का विधि विधान करना है, तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। जैसे सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण 1:06 से आरंभ हो रहा है, उसके 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। सूतक का जो समय होगा तकरीबन 4 बजे के आसपास का होगा जी। और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के कुछ समय बाद खत्म होगा। तो चंद्र ग्रहण में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे आपको मंदिर स्पर्श नहीं करना चाहिए, आप भजन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, प्रभु श्री राम राम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप धार्मिक कार्य अपने मन से कर सकते हैं, साथ ही मंदिर से हटकर आप कर सकते हैं। अब शरद पूर्णिमा पर लग रहा है तो लोग की परंपरा है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं और लोगों के घरों पर जा जाके अपना आशीर्वाद देती हैं। तो इस बार साथ ही खीर बनाकर उसको चंद्रमा यानी खुले आसमान के नीचे रखा जाता है जिसमें औषधीय गुण आता है, ऐसी मान्यता है धर्मशास्त्र के अनुसार। साथ ही वो चीजें आप ना करिए। सूतक के पहले अगर आपको ये करना है तो सूतक के पहले आप खीर बनाकर उसको घर के अंदर ही सुरक्षित स्थान पर उसमें 2-4 आप तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और उसको सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद आप उसको गंगा जल छिड़क के डालकर उसको आप खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं और सुबह उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके घर में चंद्र ग्रहण के समय, पहली चीज आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा निषेध है। साथ ही ये चीजें अगर बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं तो उनके लिए छूट होता है, वो कभी कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही आप इस चंद्र ग्रहण विशेष सावधानी रखें क्योंकि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है तो मेष राशि तुला राशि के लिए काफी नकारात्मक लेकर आएगा। जी पंडित जी, यही हम आपसे पूछने वाले थे कि किन किन राशियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो राशियों का एक एक करके बता दीजिए कि किन किन राशियों पर ये चंद्र ग्रहण दिख रहा है। जैसे कि मेष और तुला राशि में बता चुका हूँ कि उस पर नकारात्मक शक्ति लेके आएगा। साथ ही ये वृषभ और कन्या के लिए भी उतनी ही नकारात्मक चीजें लेकर आ रहा है। साथ ही शेष बचे सारे राशि, चाहे वो मिथुन हो, चाहे वो सिंह हो, कर्क हो या फिर
आपका वृश्चिक हो, धनु हो, मकर हो, कुंभ हो या मीन हो, इन सभी राशियों के लिए अनुकूल रहेगा और विशेष लाभ देने वाला है। साथ ही आपको अगर कोई प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला है तो उसको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, उसको नुकीले चीजों, चाकू, कैंची, सुई, ऐसी चीजों का परहेज करना चाहिए, उसको ये चीजें उपयोग ना करें। हो सके तो आप अगर चल जाए तो निद्रा भी ना लें, क्योंकि उस समय अगर प्रभु श्री राम, हनुमान किसी का भी नाम लेंगे, राधा रानी किसी का भी नाम लेंगे, तो आपके बच्चे पर, संतान पर उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा और वो स्वस्थ और सुंदर रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये जो मेष राशि में लग रहा है, जहां चंद्रमा गोचर करके पहुंचे हैं, वहां पर गुरु पहले से मौजूद है, तो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह राजयोग विशेष फलदायी होता है। इस राजयोग से कई लोगों के जीवन में विशेष लाभ होने वाला है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। पंडित जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से ऐसे कार्य करें जिससे हमारे शरीर में या हम लोगों पर सकारात्मक ऊर्जा मिले उससे। जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि आप जाप करिए, पाठ करिए, किसी धार्मिक चीजें जैसे रामायण की कोई चौपाई पढ़िए या आप श्रीमद् भगवत पढ़िए, आपको जो चीजें अच्छी लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जो चीजें आपको आती हों। आप मंत्रों के साथ साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ध्यान साधना भी कर सकते हैं, जितना चल जाए। आप निद्रा का त्याग करें, उससे आपको विशेष उपाय होगा, विशेष लाभ भी होगा। पंडित जी, अब आगे ये जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण में कौन कौन से ऐसे शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। जैसे आप ये जानिए कि चंद्र ग्रहण के समय कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए जी। साथ ही कोई भी गृह प्रवेश, हालांकि रात में लग रहा है तो उस समय कोई शादी ब्याह, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सब वर्जित हैं। और आप अपने चीजों को सही ढंग से रखिए और भगवान का भजन करिए, उनका कीर्तन करिए, आपको विशेष लाभ होगा। पंडित जी, अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ ऐसा विशेष कार्य करें या कौन सा ऐसा विशेष मंत्र होता है क्या कि जिसके लिए लोगों के विचार पर सकारात्मक ऊर्जा पड़े, लोगों पर सकारात्मक ऊर्जा मिले, कोई विशेष मंत्र भी है इसका क्या? आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, और अगर आपको चंद्रमा, जैसे ग्रहों में माता, ग्रहों में चंद्रमा को माता माना गया है जी, सूर्य को राजा माना गया है जी, तो आप चंद्रमा का ओम चंद्रमे नमः का जाप करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही आप मोती की माला लेकर राम राम भी करें या तुलसी की माला लेकर श्री राम सीता राम करें, तो उससे भी विशेष लाभ होगा और चंद्रमा की जो आप पर दृष्टि है वो सही से काम करेगा और आपको विशेष लाभ होगा। तो जो अभी बच्चे जन्म लिए हैं, ऐसी भी कई तरह की बातें सामने आती हैं, तो उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाए और उन पर, जैसा कि आपने पहले गर्भवती महिलाओं के लिए बताया है, तो बच्चों का कैसा ख्याल रखा जाए कि उन पर ये नकारात्मक ऊर्जा ना पड़े? जैसे देखिए, अगर उस समय बच्चों का जन्म होता है तो चंद्रमा मेष राशि मतलब कि चंद्रमा वहां मौजूद है, लेकिन मेष राशि जो मंगल की राशि है वो उग्र राशि होती है, तो इस वजह से उस समय खास ध्यान रखें कि बच्चे को किसी प्रकार का नकारात्मक चीजों से दूर रखें। साथ ही भगवान प्रभु श्री राम श्री कृष्ण का नाम लें और बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेष राशि भी तेज राशि होती है, थोड़ा उग्र होती है, लेकिन करियर वाइज बहुत अच्छी होती है और विशेष लाभ लोगों को देने वाला। पंडित जी, तुलसी का एक अहम बड़ा हमारे शास्त्रों में रोल माना जाता है, तो क्या कुछ तुलसी के प्रयोग कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के दिनों? जी, आप जैसे अपने घर में जैसे भोजन या कोई स्टोर किए हैं या दूध दही स्टोर किए हैं, तो उसमें आप तुलसी का, तुलसी पवित्र माना जाता है जी। और तुलसी जो है हनुमान जी को, प्रभु श्री राम को, विष्णु भगवान को, ऐसे शालिग्राम को बहुत ही प्रिय है, तो ऐसे तुलसी माता को काफी पवित्र माना जाता है। अभी अश्विन मास के बाद जो मास आ रहा है उसमें तुलसी का विशेष प्रावधान है, उस समय तुलसी में नियमित जल देने से, साथ ही आपको डेली
तुलसी के नीचे शाम को घी का शुद्ध दीपक जलाने से विशेष लाभ होने वाला है और आपको धन धान्य से भरे रहेंगे। स्नान को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती है, तो स्नान कब करना है, इसके चंद्र ग्रहण के पहले या चंद्र ग्रहण के बाद? जैसे देखिए, कोई भी पूर्णिमा हो तो उसमें विशेष स्नान दान आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे शास्त्र में विशेष लाभ और पुण्य आदमी को प्राप्त होता है, आपको स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। इस वजह से ग्रहण के बाद ही आपको गंगा में स्नान करना चाहिए, ऐसा विधान है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप कोई भी नदी जो आसपास है उसमें स्नान कर सकते हैं। साथ ही अगर ऐसा भी नहीं हो सकता है तो आपके घर अगर गंगा जल है तो उसको डालकर आप स्नान करिए और उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। पंडित जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि ये चंद्र ग्रहण वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये विशेष लाभ देने वाला है कई राशियों के लिए, क्योंकि उस दिन गजकेसरी योग और शनि भी अपने कुंभ राशि त्रिकोण में, मूल त्रिकोण में बैठकर सस राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो ये भी खास है, लोगों के लिए अच्छा मौका आएगा और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। मैं यही कहूँगा कि आप ग्रहण के समय विशेष सावधानियाँ बरतें, हो सके तो आप भोजन न करें, अन्न ग्रहण न करें, साथ ही आप भगवान का नाम लें, श्री राम का, कृष्ण का, किसी का भी जाप करें और अपने मन को शांत रखें। साथ ही अगर आप योगा मेडिटेशन भी करना चाहते हैं तो उससे भी आपको शांति होगी। आप पूरी तरह से सात्विक जीवन उस समय, उस टाइम व्यतीत करें, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी रविशंकर शुक्ला, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और किन किन राशियों पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।